के माध्यम से मैं बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके आर्टिकल 179 में स्पीकर को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख, जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है रेजोल्यूशन जो किया चुका है मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन आपको बता, ये उससे मतलब सुजीत भी आपका क्या करेगा। ठीक है, ये महाराष्ट्र का मामला है, ध्यान से देखिए, और ये नवम रेबिया स्थिर रहन अरुणाचल का पूरा का पूरा मामला, ये नवम रेबिया अरुणाचल आपके माध्यम से कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हो, तो ये दोनों फैसले पढ़े, उस फैसले को मैं सबसे पहले अरुणाचल में बताता हूँ कि स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली, हाथ दे हाथ सब बंद कर रहा है मेरा, वोट करने वाले नहीं, इतना घुस गए एक्चुअल मेंबर्स, यानी कि 243 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं दूसरा मामला, आप गौर से सुनिए इसको, उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं, उन सब के आधार पर गणना होगा। तो 243 अरे भैया आपका हाथ से खाली मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ नहीं, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूँ कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हे राम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, बच्चा बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में चीजें चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में निर्णय होगा, हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि पहला का अभिभाषण के बाद कार्यावली में पहली चीज स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, उसके संदर्भ में मैंने दोनों जजमेंट का जिक्र कर दिया, 179 सीट का इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दिया, दोनों जजमेंट की आपको दिखा दी। मैं चाहूंगा कि सरकार में जो एडवाइजर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब गौर से देखें, पढ़ें इन फैसलों को और उसके आधार पर बिहार में और देश में लोकतंत्र के लिए संदेश। मनोज जी इधर भी तो एनडीए के पास नंबर है, आप लोग माहौल बनाए जरा पीछे हटो ना, वजह क्या नहीं, बिना वजह कह रहे हैं माहौल हमने नहीं बनाया, आप विधायकों को आपने रोकवाया है? नहीं नहीं, विधान तो कम से कम कार्यशाला के नकली नाम से नहीं लिया गया, हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे, हमारे सारे विधायक महागठबंधन दल के सारे नेता सब मेरे साथ खड़े हैं, ऐसी एकजुटता है और वो एकजुटता मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने सर्वोच्च न्यायालय को आपके सामने रखने का उद्देश्य एकमात्र था, आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें, आपको प्रशासन है सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए, हम उनको शुभकामनाएं। धन्यवाद।